लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है टी एम जी सर्वर जो वो इंस्टॉल किया था, टी एम जी के इंस्टॉलेशन के बाद मैंने आप लोगों को उसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके इंटरनल नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो कैसे करनी है, और इसको डोमेन है वर्कबुक ज्वाइन करनी है, और उसके अलावा एक बेसिक वेब पॉलिसी बनानी है। बेसिक वेब पॉलिसी के अंदर वो बताता है, पूछता है कि HTTPS इंस्पेक्शन वगैरह इनेबल करनी है नहीं करनी, मालवेयर इंस्पेक्शन इनेबल करनी है या नहीं करनी, और इसके अलावा जो अननेसेसरी किस्म की वेबसाइट्स जो है उसने वो ब्लॉक करवाई थी हम लोगों से। ठीक है, अगर मैं वेब पॉलिसी पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को वो रूल दिखाई दे रहा होगा जो बाई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के दौरान इसने ब्लॉक की थी। ठीक है, लाइक इसके अंदर अनानिमाइजर है, बूटनेट है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, गैम्बलिंग वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक ये भी बताया था कि इसके अंदर हम लोग URL को चेक भी कर सकते हैं कि ये URL किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने क्यूरी फॉर URL कैटेगरी, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ MSN.com लिखा और क्यूरी किया, तो इसकी कैटेगरी बता देगा, क्या कह रहा है कि ये पोर्टल साइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा उर्दू पॉइंट डॉट कॉम की, उसको क्यूरी किया, वो बता रहा है कि न्यूज़ की वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैं लिखता हूँ youtube.com, क्यूरी किया इसको, वो बता देगा कि मीडिया शेयरिंग की वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आप लोग जो है कंटेंट फ़िल्टरिंग भी कर सकते हो। कंटेंट फ़िल्टरिंग का मतलब ये है कि आप लोग चाह रहे हो कि आप लोगों के लाइन के अंदर जो है रियल प्लेयर की या यूट्यूब की या FLB प्लेयर की आप लोगों के लाइन के अंदर वीडियो ना चले, या आप चाह रहे हो कि कोई भी मीडिया स्ट्रीमिंग ना हो, या आप जो है इंस्टेंट मैसेजिंग की ट्रैफिक को आप लोग ब्लॉक करना चाह रहे हो, तो आप इस तरह से जो है आप लोग अपने मर्ज़ी की वेबसाइट्स भी और अपनी मर्ज़ी के कंटेंट्स भी आप लोग जो है इसके अंदर ब्लॉक कर सकते हो। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जस्ट TMG की इंस्टॉलेशन की, TMG की इंस्टॉलेशन के बाद जो हम लोगों ने इसके इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखी थी, और उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो चलना शुरू हो जाता, और दूसरा तरीका ये है कि जब आप फोर फ्रंट पर क्लिक करते हो, यार बात सुनो, ये चीज़ जितनी इनके लिए नहीं है ना उतनी आप लोगों के लिए, अब ये ना इससे समझो कि जो है ये लोग पहले को हाफिज़ आलिम और इन लोगों के लिए चीज़ ज़्यादा, आप लोगों के लिए भी उतनी नहीं जितनी नहीं लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग को गौर से, मैंने एक एडिशनल चीज़ करवा लूँ, होपफुली आप लोग अगर इसको देख लोगे तो आप लोगों के भी काम आ जाएगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटर ऑन अगर आप लोग कभी भी TMG की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क आप चलाना चाहें, तो उसके लिए कि आप फोरफ्रंट TMG पर क्लिक करें, और राइट साइड पर जो आप लोगों के टास्क पैन आ रहा है, बाद में होता टास्क पैन हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप लोग इस वाले एरो के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को टास्क पैन नज़र आ जाएगा, और यहाँ से आप लॉन्च गेटिंग स्टार्ट विजिट उस पर क्लिक करोगे। लॉन्च गेटिंग स्टार्ट विजिट पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग इसका इंटरनल नेटवर्क डिफाइन कर सकते हो, इसके अलावा सिस्टम पॉलिसी के मतलब पे डोमेन ज्वाइन करनी है नहीं करनी, और इसके अलावा फिर इसने अपडेट्स लेने हैं, मालवेयर इंस्पेक्शन इनेबल करनी है, HTTPS इंस्पेक्शन इनेबल करनी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम लोग गेटिंग स्टार्ट विजिट के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ से आगे भी कर सकते हो। लाइक मैं वेब एक्सेस पॉलिसी पे क्लिक किया, अभी जो वेब प्रॉक्सी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो TMG के पोर्ट जो है वो 8080 है। अब मैंने आप लोगों को बताया था क्लाइंट कंप्यूटर्स के ऊपर अगर आप लोगों ने इंटरनेट शेयर करवाना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल क्लाइंट कंप्यूटर का इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आप टूल्स के अंदर आओगे, इंटरनेट ऑप्शन के अंदर आ जाओगे, यानी हर क्लाइंट कंप्यूटर पर जाकर आपने जो काम करना है, टूल्स के अंदर आके इंटरनेट ऑप्शन पर आप लोग आओगे, और यहाँ से आप कनेक्शन में आओगे, लैन सेटिंग पे आओगे, यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस दे दोगे, यहाँ पे TMG की मशीन का एड्रेस दे दोगे। ठीक है, मैं फिलहाल इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये तो खुद भी एज ए TMG सर्वर एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोगों को प्रॉक्सी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, TMG के लैन पे जो सा आपने वो तो उसका एड्रेस उसी क्लास में मतलब मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ उसकी लैन की कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि TMG की मशीन जो है या आइजा की जो हम लोगों की मशीन है उसके ऊपर अमूमी तौर पर दो इंटरफेस होते हैं, एक इंटरफेस के ऊपर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है और एक के ऊपर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है। अच्छा, अगर आप लैन के प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएँ, लैन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके आप इसकी IP एड्रेस की आप इसकी सेटिंग देखें, तो लैन के ऊपर कभी भी हम लोग गेटवे नहीं देते, लैन के ऊपर हम लोग अपना लोकल DNS हम लोग ज़रूर देंगे, और अगर आप इसके वैन एड्रेस के जिसके ऊपर हम लोगों का लाइव IP कन्फिगर हुआ होगा, अगर हम लोग लाइव IP की इसकी सेटिंग जाके देखें तो लाइव IP वाले इंटरफेस के ऊपर गेटवे दिया होगा, मतलब ये कि ये जो 46 गेटवे ये हमारी ISP का, ये जिससे हम लोगों ने कनेक्शन लिया है, ये उनका गेटवे, ठीक है, यानी नेक्स्ट हॉप का एड्रेस है, लेकिन इस पे मैं DNS नहीं दूंगा, यानी गेटवे आप लोगों ने एक इंटरफेस पे देना, दो इंटरफेस पे आप लोगों ने गेटवे नहीं देना। ठीक है, इसके लिए अमूमी तौर पे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि लैन के इंटरफेस में हम लोग गेटवे नहीं देते बल्कि DNS देते हैं, जबकि वैन के इंटरफेस में DNS नहीं देते बल्कि गेटवे देते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब TMG इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद आप लोगों ने अलाउ का रूल बनाना है। जब तक आप लोग अलाउ का रूल नहीं बनाओगे तो आप लोगों का इंटरनेट नहीं चलेगा। तो वो उसके लिए क्या करोगे, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आओगे, फायरवॉल पॉलिसी के अंदर आगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्लाइंट एक्सेस, गलत मैंने क्लिक कर दिया, फायरवॉल पॉलिसी पे क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट एन एक्सेस रूल, क्रिएट एक्सेस रूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ मैंने किया अलाउ इंटरनेट इन लैन, कि लोकली नेटवर्क के अंदर मैं इंटरनेट जो है वो चलाना चाह रहा हूँ। अलाउ का रूल बनाऊँगा, नेक्स्ट किया, कौन कौन से प्रोटोकॉल अलाउ करने हैं, सिर्फ अगर जस्ट इंटरनेट आप लोगों ने अलाउ करना है तो यहाँ से आप लोग ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं HTTP और HTTPS जो है दो प्रोटोकॉल अलाउ कर दूँगा। इसके अलावा वो आप कॉमन प्रोटोकॉल पे क्लिक करोगे, लाइक मैंने HTTP किया और HTTPS किया, ठीक है। यानी बाई डिफ़ॉल्ट TMG लगने के बाद आप लोगों के नेटवर्क के अंदर हर तरह की ट्रैफिक जो है वो आप लोगों के ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, इंक्लूडिंग कि आप लोगों की कोई वेबसाइट भी ओपन नहीं होगी। अभी मैंने फिलहाल सिलेक्टेड प्रोटोकॉल किया, डोंट इनेबल वॉलपेपर इंस्पेक्शन ऑन दिस रूल, नेक्स्ट किया। अब इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी कहाँ से, सोर्स के अंदर आगे मैंने इंटरनल पे क्लिक किया, ऐड किया, क्लोज किया, नेक्स्ट किया। अब ये रूल किस डेस्टिनेशन के लिए है, यानी ट्रैफिक जो लैंड से आएगी वो कहाँ पे जाएगी, ऑब्वियसली इंटरनेट की ट्रैफिक जो हमारे पास बाहर जाएगी एक्सटर्नल नेटवर्क पे, यहाँ से हम लोग अपना एक्सटर्नल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट किया। इसको ऑल यूज़र्स के लिए या ऑथेंटिकेटेड यूज़र के लिए, अगर तो TMG से सिर्फ अपने डोमेन यूज़र्स को सर्व करवाना चाह रहे हो तो आप लोग ऐड पे आओगे और यहाँ से आप ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र पे क्लिक करोगे, और अगर डोमेन वर्क सबको ही करवाना तो फिर आप लोग ऑल यूज़र रहने दोगे। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश पे क्लिक किया, और कोई भी रूल बनाने के बाद आप लोग उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे वो इफेक्टिव नहीं होगा। मैं फिलहाल उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी एक्सेस रूल बनाना है, यानी आप लोगों ने फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि TMG जो है, TMG स्टैंड फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे, जो आइजा का एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसके ज़रिए से हम लोग अपने नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को शेयर करवा सकते हैं, इसके ज़रिए से हम लोग फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसके ज़रिए से हम लोग लॉगिन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसके ज़रिए से हम लोग VPN को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके ज़रिए से हम लोग अपने ईमेल की और दूसरी सर्विसेज पब्लिश कर सकते हैं। लाइक मेरे नेटवर्क के अंदर एक वेबसाइट चल रही है, मैंने अपनी वेबसाइट जो है वो पब्लिश करनी है, ठीक है, या मेरे नेटवर्क के अंदर जो है कोई इंटरनेट की सर्विसेज चल रही हैं, ईमेल सर्वर मेरा अपना लगा होगा, अब मैं ईमेल सर्वर को बाहर की दुनिया के लिए एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, बाहर की दुनिया के लिए पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पब्लिश एक्सचेंज वेब क्लाइंट एक्सेस, मैं इसी यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने इस रूल का नाम लिखा फॉर्मेबल पब्लिश होगा, ओवा स्टैंड फॉर आउटलुक वेब ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आप लोगों ने आउटलुक वेब ऐप को पब्लिश करना है, एक्सचेंज 2007 है या एक्सचेंज 2010 है, यानी जो आप जो होंगे जो मेल सर्वर है उसका वर्जन कौन सा है, मेल सर्वर के हम लोगों के चार वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे, 2000 है, 2003 है, 2007 है, 2010 है। मैंने कहा जी 2010 को पब्लिश करना है, कौन सी सर्विस को पब्लिश करना है, ओवा को पब्लिश करना है, आउटलुक एनीवेयर को पब्लिश करना है या एक्टिव सिंक को, अगर मोबाइल पे ईमेल रिसीव करनी है उसको पब्लिश करना है तो एक्टिव सिंक करेंगे, अगर आप लोगों ने घर से बैठ के अपना आउटलुक कनेक्ट करना है यानी RPC और HTTP आप लोगों ने करनी है फिर इसको सेलेक्ट करोगे, और अगर अपने वेबसाइट के जरिए अपनी मेल चेक करनी है तो फिर आप लोग ओवा को सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया जी, एक एक रूल जी जी हर एक चीज़ का अलग अलग रूल है, नहीं इसका एक्सटेंड 2007 के अंदर तो कर सकते हैं, 2010 के अंदर इसमें नहीं कर सकते आप जो है ना, अलग अलग पब्लिश, और रिकमेंडेड भी ये होता है कि आप सर्विस अलग अलग पब्लिश करो। उसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पे मोबाइल पे मैं ईमेल रिसीव करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैंने ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो रखनी मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशन, जबकि एनीवेयर के लिए मैंने रखनी LTLM ऑथेंटिकेशन रखनी है या डाइजेस्टेड ऑथेंटिकेशन रखनी है, आप डिफरेंट टाइप के ऑथेंटिकेशन रखना चाहते हो तो इसके लिए फिर आप डिफरेंट रूल ही इसके जो पब्लिश करोगे। इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहे हैं कि जो वेबसाइट पब्लिश करनी है उसके लिए पब्लिश ए सिंगल वेबसाइट आर ए लोड बैलेंसर, या नीचे एक ऑप्शन है पब्लिश ए सर्वर फॉर्म ऑफ लोड बैलेंसर वेब सर्वर, के मल्टीपल सर्वर्स आप लोगों के लगे हुए, हमारे केस में एक ही सर्वर है फिलहाल तो मैं ऊपर वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूँगा। अब वेबसाइट जो है मैंने सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है या HTTP पर कॉन्फ़िगर करनी है, अगर तो SSL पे करना चाहता हूँ सिक्योर सॉकेट लेयर पे जिसके साथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों का बाइंड होता है तो ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और अगर आपने सिंपल आप लोगों की वेबसाइट है HTTP के ऊपर जो चल रही है पोर्टेटी में तो फिर मैं नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा जो कि नॉन सिक्योर होती है, मैंने सिक्योर SSL पर कॉन्फ़िगर करना उसका, नेक्स्ट किया। इंटरनल साइट नेम कि हमारे लैन के अंदर जो हमारी वेबसाइट किस नाम से हम लोगों की पब्लिश हुई हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा उसका नाम है mail01.ppaf.org.pk, इसका IP एड्रेस क्या है, लोकली नेटवर्क के अंदर जो इसका IP एड्रेस दिया हुआ है, मैंने कहा 192.168.0.231 कि मेरे लैन के अंदर इसका ये IP एड्रेस है,
नेक्स्ट की है, बाहर जो मैंने उसको एक्सपोज करना, बाहर की दुनिया के लिए जो अवेलेबल करना वो किस नाम से करना। मैंने कहा बाहर की दुनिया के लिए जो उसको आप अवेलेबल करो, जो उसको पब्लिश करो, उसका नाम रखो आप email.ppaf.org.pk, यानी इंटरनल सर्वर का नाम कुछ और है और जबकि बाहर जो आप लोग सर्वर का नाम जो है वो कुछ और है, आप लोग रखना चाह रहे हो। थोड़ा सा हैंग हो गया हूँ। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करोगे उसको आप लोगों ने जो है उसको अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। जल्दी से एक बार तो आप लोगों को स्टेप्स जो है जिन्होंने तवज्जो नहीं की दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी आप लोगों ने कोई अपनी सर्विस पब्लिश करनी है, बाहर की दुनिया के लिए अवेलेबल करना है, तो पहले तो आप लोग पब्लिक DNS के अंदर एंट्री करवाते हो जिनसे आप लोगों ने DNS की होस्टिंग वगैरह ली हुई है, या अमूमी तौर पे हम लोग अपनी ISP से करवाते हैं, PTCL या NTC वगैरह जिससे हम लोगों ने नेट का कनेक्शन लिया होता है वॉल ब्रेन वगैरह से। देन उसके बाद आप लोग अपने प्रीमिसेस के अंदर आइजा सर्वर लगाओगे या पब्लिक सर्वर या TMZ सर्वर लगाओगे, उसके ऊपर दो इंटरफेस होंगे, एक LAN का इंटरफेस होगा, एक WAN का इंटरफेस होगा। जो WAN का इंटरफेस होगा, WAN वाला LAN कार्ड होगा आप लोगों का, उसके ऊपर आप लोगों का पब्लिक IP एड्रेस होगा, ठीक है। पहले आप लोग लिसनर बनाओगे, लिसनर कहाँ से बनाना है, लिसनर बनाने के लिए आप लोग टूल बॉक्स के अंदर आओगे और ये यहाँ पे वेब लिसनर की ऑप्शन आ रही है, वेब लिसनर पे आगे आप लोगों ने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से आप लोग वेब लिसनर पे क्लिक करोगे, न्यू पे क्लिक करके आप लोगों ने वेब लिसनर पे क्लिक किया। लिसनर किस मकसद के लिए बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि SSL के लिए मैं बना रहा हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए बना रहा हूँ, यानी पोर्ट 443 के ऊपर काम करेगा। रिक्वायर SSL सिक्योर कनेक्शन, इसका नाम ही मैंने SSL रखा, कोई और नाम भी रख सकता था। आप लोग इसके कोशिश करो कि जेनेरिक नाम रखो, लाइक ये ईमेल की सर्विसेज के लिए बना रहे हो आप लोग, ये वेबसाइट के लिए बना रहे हो, ये शेयर पॉइंट की साइट के लिए बना रहे हो, ये लिंक की सर्विसेज के लिए बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट की है, अच्छा अब आपने एक्सटर्नल IP पे क्लिक किया, सिलेक्ट IP एड्रेस। अगर मल्टीपल IPs होंगे, अगर मल्टीपल IPs होंगे तो आप लोग एक लिसनर के साथ मल्टीपल IPs भी आप लोग एसोसिएट कर सकते हो, और अगर आपके पास मल्टीपल IPs एक इंटरफेस के ऊपर है, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे जो IP एड्रेस दिया 42 भी है, 43 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी है, 5-6 IPs मेरे पास CC पे दिए हुए हैं। अब मैं इस लिसनर को चारों के चार लाइव IPs के साथ बाइंड करना चाह रहा हूँ या किसी एक लाइव IP के साथ बाइंड करना चाह रहा हूँ, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा स्पेसिफाई IP एड्रेस, और मैंने सिर्फ उसको एक IP के साथ किया। अगर मैं यहाँ पे ऑल IP करता तो इस इंटरफेस पे जितने भी IP एड्रेस मैं देता वो सारे के सारे इस लिसनर के अंदर आ जाते। ओके की है, नेक्स्ट की है। अब जो आप लोग SSL के लिए लिसनर बनाते हो उसके लिए आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और सर्टिफिकेट के लिए ऑब्वियसली आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होनी चाहिए, वो या तो आपके इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट हो सकता है, लाइक जैसे हमारे केस के अंदर इसके सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो इशूड बाई किया PPF-DC01-C है, यानी कि हमारे अपने इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगी हुई है। ये आप लोग प्राइवेट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो या पब्लिक सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। पब्लिक सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को वेरी साइन वगैरह, कोमोडो वगैरह, उनसे आप लोगों को लेना पड़ता है, उसके आपको सालाना चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पर यासीन ने अपनी डोमेन रजिस्टर करवाई हुई है और यासीन अपनी वेबसाइट के लिए एक सर्टिफिकेट लेता है yaseen.com, तो अब सिंगल नेम के साथ है तो yaseen.com के नाम से जो इसने वेबसाइट रजिस्टर करी सिंगल नेम है, उसको अप्रॉक्सीमेटली सालाना उसके जो है ना $80-$80 तक इसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 3 साल के लिए लेता है ऑब्वियसली उसमें उसको थोड़े से डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप लोग मल्टीपल UPN के साथ, मल्टीपल UPN का मतलब है कि मल्टीपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम, कि लाइक ये कहता है कि जी mail.yaseen.com, web.yaseen.com, hosting.yaseen.com, अब 3 मुख्तलिफ नामों के लिए ले रहा है, तो इसके 3 सर्विसेज के अगेंस्ट उसको, यानी 3 बार उसको जो है ना 60+60+60 इसको इतने इसको जो है ना वो कंपनी चार्ज करेगी। ये आप एक वैसे जेनेरिक बता रहा हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ऑथेंटिकेशन कौन सी होगी, मैंने कहा बेसिक ऑथेंटिकेशन है, अच्छा, या आप ये चाह रहे हो कि जब यूज़र नेम पासवर्ड के लिए वो प्रॉम्प्ट करे तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई आपकी मर्ज़ी का कोई कस्टम फॉर्म आना चाहिए, वहाँ पे कोई डायलॉग बॉक्स सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड ना लिखा है बल्कि कोई फॉर्म आए, उस फॉर्म के ऊपर कुछ प्रिंट हुआ हो, कुछ लिखा हो, तो यहाँ से आप क्या कर दो HTTP ऑथेंटिकेशन या HTML फॉर्म ऑथेंटिकेशन कर दो, HTML फॉर्म ऑथेंटिकेशन कर दो कि फिर आपके सामने वो फॉर्म आया करेगा। सिंगल साइन ऑन, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा बना है जिसके मल्टीपल डोमेन्स हैं आप लोगों की, लाइक आप लोगों की एक डोमेन है ppf.org.pk, उसकी एक चाइल्ड डोमेन है जिसका नाम है east.ppf.org.pk, एक का नाम है west.ppf.org.pk। अब आप चाह रहे हो कि आपकी बहुत सारी चीज़ें पब्लिश हुई हुई हैं, आपके बहुत सारे सर्वर पब्लिश हुए हैं,
आपको हर मरतब यूज़र नेम पासवर्ड ना देना पड़े, बल्कि एक मरतब आप लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया वही आप लोगों का हर जगह पर चल जाए, तो उसके लिए हम लोग सिंगल साइन ऑन यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर कन्फिगर करना चाहो सिंगल साइन ऑन यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। सिंगल साइन ऑन डोमेन का नाम क्या देना, ppaf.org.pk। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और ये मेरा एक तरफ वेब लिसनर बन गया। अब इस वेब लिसनर को मैं कोई वेबसाइट पब्लिश करने के लिए या कोई ईमेल की सर्विस पब्लिश करने के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों को वेबसाइट पब्लिश करने बता देता हूँ। अच्छा, इसको आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करोगे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मैंने फ़िलहाल इसको डिस्कार्ड कर दिया होगा। डिस्कार्ड का मतलब है कि सेटिंग सेव नहीं करनी। अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट पब्लिश करनी हो, कोई अगर आप लोगों ने वेबसाइट पब्लिश करनी हो, तो वेबसाइट पब्लिश करने का तरीका क्या है, उसके लिए आप लोगों के पास पब्लिश वेबसाइट की एक ऑप्शन होती है। आप पब्लिश वेबसाइट पर क्लिक करोगे, नाम क्या रखना है इस रूल का, मैंने कहा इसका नाम रखा पब्लिश PPAF वेबसाइट, मैंने कहा इसका नाम रखा पब्लिश PPAF वेबसाइट। नेक्स्ट किया, अलाउ के लिए रूल बना रहे हैं। नेक्स्ट किया, सिंगल वेबसाइट। नेक्स्ट किया, SSL पे, यानी कि आपने सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। नेक्स्ट किया, इंटरनल साइट का नाम क्या, आपके इंटरनल जो साइट चल रही है, मैंने कहा सपोज उसका नाम ppaf.org.pk, इंटरनल नाम भी उसका यही है। कौन से जी, जो हमारे लैन के अंदर हम लोगों ने वेबसाइट की DNS में जिस नाम से एंट्री की हुई है वो नाम बताएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने www नहीं लिखना, यहाँ पे आप लोगों ने www नहीं लिखना आपने। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट दोनों जगह पे आप उसका IP भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि मेरा जो IP 192.168.0.120, ठीक है, इसी IP को मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर भी दे सकता हूँ। ठीक है, दोनों जगह पे IP दे देंगे, दोनों जगह पे नाम दे देंगे, एक जगह IP दे देंगे, एक जगह नाम दे देंगे। एंड IP एड्रेस कैन नॉट बी, नहीं, ऊपर आपको इंटरनल नाम ही देना पड़ेगा, और नाम वो दोगे जो आपके इंटरनल DNS के अंदर आप लोगों के एंटर हुआ होगा। नेक्स्ट की है बात कि आप लोग उस वेबसाइट की कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी पब्लिश करना चाह रहे हो, उस वेबसाइट के सारे का सारे फोल्डर पब्लिश करना चाह रहे हो। अगर मैं इसको कर देता हूँ /steric, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फर्दर जितने उसके फोल्डर है ना, सारे के सारे फोल्डर पब्लिश कर देगा वो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, बाहर की दुनिया जब उसको एक्सेस करेगी बाहर से किस नाम से आएंगे वो, मैंने कहा ppaf.org.pk। नेक्स्ट किया, कौन सा वेब लिसनर, जो अभी अभी हम लोगों ने वेब लिसनर बनाया सपोज वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट किया, अब वो पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मेथड यूज्ड बाय फॉरफेट TMZ टू ऑथेंटिकेट टू द पब्लिश वेब सर्वर। अभी मैंने कहा नो डेलीगेशन एंड क्लाइंट कैन नॉट ऑथेंटिकेट डायरेक्टली, यहाँ पे दो, यहाँ पे दूसरी ऑप्शन में कर सकता हूँ नो ऑथेंटिक डेलीगेशन बट क्लाइंट मे ऑथेंटिकेट डायरेक्टली, कि इस जब ये वेबसाइट खुलेगी इसके जरिए से खुलेगी तो यहाँ पे तो यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन अगर इंटरनली आप लोगों ने उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगाई हो तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। या अगर आप चाह रहे हो अगर पासवर्ड यूज़र नेम पासवर्ड मांगे ही ना, डायरेक्ट ही वेबसाइट खुल जाएगा, तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो नो डेलीगेशन क्लाइंट कैन नॉट ऑथेंटिकेट डायरेक्टली। नेक्स्ट किया, इसको मैंने ऑल यूज़र करेंगे, वेबसाइट के केस में हम लोग मूवी तौर पर ऑल यूज़र करते हैं, क्योंकि वेबसाइट तो उन लोगों ने भी देखनी है ना जो आपके डोमेन के यूज़र नहीं है, बाहर के यूज़र हैं। नेक्स्ट किया इसको मैंने, और सिंपल हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। अच्छा, किसी भी रूल को हम लोग ओके करूँगा और फिनिश कर देंगे। ठीक है, किसी भी रूल को हम लोग किसी भी मौके के ऊपर हम लोग जो उसको एडिट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने एक बार तो एक रूल बना दिया तो उसके बाद वो कोई आप लोगों के यहाँ कह लेंगे जो कोई हदीस होगी दोबारा चेंज नहीं हो सकता। किसी भी रूल को हम लोग किसी भी मौके पर एडिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनल वेब सर्वर जो हम लोगों का चल रहा था, जो हम लोगों का IIS सर्वर चल रहा था, उसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया। पहले वो पेंडिंग 4G मशीन पर था, अब हम लोगों उसको क्वाड कोर Xeon का कोई प्रोसेसर वाली मशीन है उसके ऊपर ले गए हुए हैं। हम लोगों ने सर्वर चेंज कर दिया तो ज़्यादा इंटरनल IIS चेंज हो गया, हम उसका IP वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जस्ट फिनिश करूँगा और ये आप लोगों की वेबसाइट पब्लिश हो देगी। अच्छा, अब जो चीज़ें पब्लिश होंगी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी मेरे पास कोई VPN कनेक्शन नहीं बना हुआ, मेरे पास इस वक्त कोई VPN कनेक्शन नहीं बना हुआ, मैं एक आम सिंपल इंटरनेट यूज़र हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे NS लुकअप कर करता हूँ, अभी जो मुझे IP मिलेगा
वो कहाँ से मिलेगा 192.168.0.1, ये मुझे मिला जो मेरी वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, जो मेरा राउटर लगा उसके थ्रू मुझे आईपी एड्रेस मिला ये, ठीक है। अच्छा, मैं PPAF की ईमेल सर्विस में देखना चाह रहा हूँ कि वो किस पे पब्लिश है। मैंने लिखा email.ppaf.org.pk, वो बता रहा है कि दो आई पी एस के ओवर पब्लिश है, 124.109.60.42 और .41, और हम लोगों ने जिस सर्वर को एक्सेस किया और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो भी यही सर्वर है, ठीक है। अब बाहर से देखते हैं कि हम लोगों ने जो ईमेल के लिए इनकी वेबसाइट पब्लिश की थी वो कैसे खुलेगी। वो सिंपल मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा https email.ppf.org.pk/ova। ova की डायरेक्टरी जो है ना, बेसिकली ईमेल चेक करने के लिए हम लोगों ने ova की डायरेक्टरी जो पब्लिश की हुई है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ईमेल रिसीव करने के लिए हम लोग /ActiveSync यूज़ करते हैं, और इस तरीके से अगर आप लोगों ने वो यूज़ करना आउटलुक एनीवेयर यूज़ करना हो तो /OutlookAnywhere होता है, /RPC नंबर। मैंने उसको सेलेक्ट किया और मैंने एंटर किया। अगर आप लोगों का नेट चल रहा होगा तो चल जाएगी, मैं ऐसे कि इको लगा लेता हूँ। नेट जो है उसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स है, मैं यहाँ पे वो डायल कर लेता हूँ। देखिए, मैंने जो साइट अभी पब्लिश की थी ppf.org.pk/ova, वो वेबसाइट खुल गई हुई है, ठीक है। और अगर मुझे इसका यूज़र नेम पासवर्ड मालूम होगा तो मैं यहाँ से लॉगिन भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप लोग जो भी चीज़ पब्लिश करते हो, चाहे आप लोग अपनी ईमेल की सर्विस पब्लिश करो, चाहे आप लोग अपनी वेबसाइट पब्लिश करो, चाहे आप लोग अपना कोई इंटरनल पोर्टल, अपने कोई FTP साइट, कुछ भी आप लोग पब्लिश करो, उसकी आपको पब्लिक DNS में एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। पब्लिक DNS में एंट्री बिल्कुल इस तरह डालते हैं जिस तरह हम लोग आम अपने DNS में डालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से होता है, लेकिन वो DNS आप लोगों का लाइव आप लोगों का अवेलेबल होता है। और अमूमी तौर पर जिस कंपनी से हम लोगों ने इंटरनेट का कनेक्शन लिया होता है उन्हीं के पास हम लोग जो है ये एंट्री करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? TMG के अंदर आप कोई रूल भी बना लोगे, आप लोग पब्लिशिंग भी कर लो, ठीक जी। कैशिंग का बताया तो था, वो कैशिंग आप फॉर एग्जाम्पल आप लोग बाद में किसी मौका पे कैशिंग अगर आप लोग कन्फिगर करना चाह रहे हो तो वो कैसे करेंगे वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कैशिंग पहले आप लोगों ने कन्फिगर नहीं की जब TMG आप लोग इंस्टॉल कर रहे थे, लेटर ऑन आप लोग कैशिंग कन्फिगर करना चाह रहे हो तो आप TMG के अंदर आके आप लोग वेब पॉलिसी पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग वेब कैशिंग पर क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप डिफ़ाइन करोगे कैशे की ड्राइव कौन सी, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करके आप कन्फिगर पर क्लिक करो। हम लोगों ने जो डिफ़ाइन की थी आप लोगों ने 2000 MB अप्रॉक्सीमेटली 2 GB के करीब। अगर इसको मैं एडिट करना चाहूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से 2 GB की बजाय फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 GB करना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने यहाँ से 4000 इसको मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इसमें बढ़ा भी सकता हूँ। कैशे के ऊपर अगर आप लोग कोई रूल वगैरह लगाना चाह रहे हो, कैशे के ऊपर आप लोग रूल भी लगा सकते हो। कॉन्टेंट डाउनलोड आप लोगों ने करवाने हैं कि आप लोग यहीं पर बता दो कि इस URL से जो है ना कॉन्टेंट डाउनलोड करो, और आप लोग कोई जॉब्स कहीं भी करना चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पर microsoft.com जो है वहाँ से रन दी जॉब, इस जॉब को कब रन करना है, डेली रन करना है, वन टाइम रन करना है, वीकली रन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डेली रन करो, नेक्स्ट पे क्लिक किया, कितने बजे इसको रन करो, यहाँ से उसको मैं टाइम बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि रोज़ाना रात को 8:10 पे इसको रन करो, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर पूरा URL दे दूँगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से जो है खुद ब खुद डाउनलोड करके जो भी अपडेट्स हैं, जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं, वायरस डेफिनेशन वगैरह, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने अपने पास एंटीवायरस सर्वर लगाया हुआ है, अब एंटीवायरस की डेफिनेशन आप लोगों ने अपडेट करनी है, या आप लोगों ने अपने पास WSUS सर्वर लगाया, विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर आप लोगों ने लगाया, तो वहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ के सिक्योरिटी अपडेट या क्रिटिकल अपडेट्स की आप लोगों की जरूरत पड़ती है।
तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से जॉब स्केलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आप लोगों ने इंटरनेट आप लोगों ने शेयर करवाया होगा, उस इंटरनेट के ऊपर आप लोग ऑथेंटिकेशन वगैरह भी करवाना चाह रहे हो, तो अभी ये प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन अभी तो इनेबल नहीं है। अगर मैं ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, इंटीग्रेटेड अभी यहाँ पे रिक्वायर ऑल यूज़र टू ऑथेंटिकेट, इसका मतलब क्या है कि अब जितने यूज़र भी होंगे वो सब के सब जो है जब तक यूज़र ने पासवर्ड नहीं देंगे, ठीक है, डोमेन यूज़र नहीं होंगे, यूज़र ने पासवर्ड नहीं देंगे उनके पास इंटरनेट नहीं चलेगा। अभी तो ये था कि कोई डोमेन का यूज़र था नहीं था, अगर वो मेरी प्रॉक्सी दे देता तो नेट चल जाता। अब ये क्या बाकायदा उसके बाद यूज़र ने पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट करेगा, जो जो मेरे डोमेन के यूज़र होंगे वो तो चला लेंगे, जो जो नहीं होंगे वो नहीं चला सकते, ठीक है, मतलब वो इंटरनेट नहीं चला सकते। वो यहाँ से मैं प्रॉक्सी, और अगर मैं प्रॉक्सी की पोर्ट चेंज करना चाहूँ, बाई डिफ़ॉल्ट 8080 होती है, 8080 की बजाय इसको 1234 करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं इंटरनेट जो क्लाइंट कंप्यूटर है वहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर आके पोर्ट कौन से दूंगा, 1234 और TMZ का लैन का IP दूंगा। यहाँ तक जी नहीं, बस ये यहीं से आप लोग करोगे, वो और कहीं पर ओपन भी आगे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं पर करोगे। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये था जी आप लोगों का TMZ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया, कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा, ठीक है, TMZ में हम लोग पब्लिशिंग कैसे करते हैं, एक्सेस रूल कैसे बनाते हैं, कैशिंग वगैरह इसमें कैसे कन्फिगर करते हैं, ठीक है।